हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं। दिवाली में आप मिठाइयाँ तो अक्सर बनाते हैं, इस दिवाली में आप कुछ नया बनाइए। आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही इजी और टेस्टी सा पियर अपसाइड डाउन केक, जो बिना मैदे और बिना अंडे के बनेगा, और इसे आज हम बिना अवन के बनाने वाले हैं। तो ये डिलीशियस सा केक बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पियर लिया है, इसको पहले हम छील लेंगे और इसके इस तरह से राउंड राउंड पीसेस कट कर लेंगे, और ये जो बीच का हार्ड वाला पार्ट होता है इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। बहुत इजीली ये निकल जाएगा। हमने यहाँ पर हाफ पियर इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है, और बाकी का हमने हाफ अभी बचा कर रखा है। ये बहुत ही टेस्टी केक बनने वाला है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने इस तरह से सारे पीसेस के बीच का हार्ड पार्ट निकाल दिया और इस तरह से इसको होल कर दिया है बीच से। अब हम सबसे पहले केक टिन तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एल्युमिनियम का केक टिन लिया है, आप किसी भी बर्तन में बेक कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और इसमें हम थोड़ा सा हनी डालेंगे नीचे। हमने यहाँ पर 4 से 5 टीस्पून हनी डाला है, और इसको अच्छी तरह से इसमें स्प्रेड कर देंगे। अब हमने जो पियर के राउंड शेप काट के रखे हैं वो इसमें इस तरह से नीचे लगा देंगे। ये देखिए, हमने ये सारे पीसेस इसमें इस तरह से अरेंज कर दिया है, और हमने यहाँ पर कुछ चेरी के पीसेस लिए हैं, ये इसमें हम जहाँ जहाँ पर ये होल है वहाँ पर लगाते जाएंगे। हमारा केक टिन रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रख देते हैं, और अब हम बैटर रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है, और 1/2 कप यहाँ पर हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है यानी नारियल का बुरादा, और 1/2 कप पाउडर शुगर ली है, और ये 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दिया, और ये 1/2 कप ऑयल भी इसी में ऐड कर देंगे। आप कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 कप हमने दूध डाला है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूजी हमको बिल्कुल बारीक वाली ही लेनी है, ये बहुत ही टेस्टी केक बनकर रेडी होगा, और बहुत इजी है इसको बनाना, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको अब हम ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर गैस पे एक कढ़ाई रख दी है जिसमें हमें बेक करना है, इसको हम प्रीहीट करेंगे। गैस हमने ऑन कर दी है, और अब हम इसमें नीचे नमक डालेंगे, ये हमारा बेकिंग में यूज़ किया हुआ नमक है, इसको अच्छे से इसमें फैला देंगे, और एक वायर स्टैंड इसमें रखकर इसको ढक देंगे।
और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे अच्छी तरह से। हमें ढक्कन ऐसा ढकना है जो बिल्कुल इसमें बराबर से फिट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना बैटर चेक करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इसमें सूजी फूल गई है और बैटर भी गाढ़ा हो गया है। अब हमने जो ये आधा पियर बचाया है इसको इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। हमने इसमें पियर ग्रेट करके डाल दिया है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और 1 पिंच नमक डालेंगे और 1 पिंच इसमें हम खाने वाला सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा हमें थिक लग रहा है, इसमें हम 1 टेबल स्पून दूध और ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम केक टिन में डाल देते हैं। अब हम इसको, कढ़ाई भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो इसमें रख देंगे बेक होने के लिए। ये देखिए, और इसको 40 से 45 मिनट तक बेक होने देंगे, या एक बार आप 40 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग का टाइम आपकी कढ़ाई की थिकनेस और बर्तन पर डिपेंड करेगा। तो 45 मिनट हो गए हैं, हम एक बार अब इसको खोलकर देखेंगे केक हमारा बेक हुआ है कि नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल गया है और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। ये देखिए नाइफ़ बिल्कुल क्लीन है, केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम डीमोल्ड करेंगे। हमारा केक ठंडा हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। पहले हम साइड से इसको नाइफ़ की हेल्प से छुड़ा लेंगे और एक प्लेट रखकर इसको पलट देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत केक लग रहा है देखने में, और ये जितना अच्छा लग रहा है देखने में उससे भी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये डिलीशियस पियर अपसाइड डाउन केक सबको बहुत पसंद आएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू।